हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं पेपर डोसा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये डोसा मैंने बनाया है, बहुत यम्मी बना है। इसके लिए मुझे एक कटोरी चावल और उसमें चौथाई कटोरी मैंने उड़द की धुली दाल मिलाई है और एक चम्मच मेथी के दाने। दाल चावल को अच्छी तरीके से धोकर मैंने भिगो दिया है 2 से 4 घंटे के लिए। इसको 4 घंटे करीब हो गए हैं, ये अच्छी तरीके से फूल गया है। अब मैं इसको मिक्सी के जार में पीस लूँगी और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लूँगी। ये मैंने जार में डाल दिया है, पीस गया है फ्रेंड, बट ये थोड़ा अभी मोटा है, इसको मुझे एक बार और पीसना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको और पीसूँगी तो ये महीन हो जाएगा और एक स्मूथ बैटर तैयार हो जाएगा डोसे के लिए। और इसको मैं एक रात के लिए रख दूँगी जिससे कि इसमें खूब अच्छी तरीके से खमीरा उठाए। ये देखिए फ्रेंड, मैंने दोबारा ग्राइंड किया है और बिल्कुल एकदम स्मूथ बैटर तैयार हो गया है डोसे का। अब इसमें थोड़ा अब स्वाद के अनुसार नमक मिला के और मैं इसको रख दूँगी। ये एक पूरी रात रखा रहेगा और कल सुबह इसको बनाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड, बैटर तैयार है और अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक भी मिलाया है मैंने और इसके साथ मैं नारियल की चटनी भी बनाऊंगी। वो मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे मैंने नारियल की चटनी बनाई है। ये नारियल मैंने 1 घंटा पहले थोड़ा महीन काट के, थोड़ा मोटा ही काटा है और काट के इसको पानी में भिगो दिया था जिससे कि ये फूल गया है। फूलने के बाद में मैंने इसको मिक्सी के जार में डाला और इसके अंदर में थोड़े से 1 चम्मच के करीब भुने हुए चने डालूंगी जिससे कि चटनी अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए। और इसको जो है मिक्सी में पीस लूँगी और इसके बाद में फिर मैं इसमें तड़का भी लगाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड, अगले दिन सुबह देखिए इसमें कितना अच्छा खमीरा उठा है और इसके बहुत क्रिस्पी डोसे बनेंगे, एकदम हल्के और क्रिस्पी डोसे बनेंगे इसके। ये नारियल मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है, इसमें 2 हरी मिर्च डाली है, 1 चम्मच दही भी डाला है और नमक स्वाद के अनुसार डाल के इसको पीस लिया है अच्छी तरीके से। ये चटनी तैयार है। अब मैं इसको राई और लाल मिर्च से छोंक भी दूंगी, उससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि खमीरे में खमीरा उठा है डोसे में, डोसे के बैटर में, तो थोड़ा खट्टापन आ ही जाता है। इसलिए मैंने इसमें नींबू या नींबू का इस्तेमाल नहीं किया है, बस 1 चम्मच दही का इस्तेमाल किया है। ये देखिए पैन मैंने चढ़ा दिया है गैस के ऊपर और इसको एक गीले कपड़े से पोंछ लिया है। पोंछने के बाद में तवा लगभग गर्म हो चुका है, आँच मध्यम ही रहेगी। अब इसमें 2 चमचे ये बैटर डाल के मैं इसको धीरे से फैला दूंगी चारों ओर। ये फैला दिया है मैंने अच्छी तरीके से। अब मध्यम आंच में ये सिकेगा। इसके ऊपर मैंने फ्रेंड थोड़ा सा देसी घी डालूंगी। थोड़ा देसी घी डाल के मैंने इसको सेकने के लिए छोड़ दिया है। अब ये सिक रहा है मध्यम आंच में। थोड़ा घी मुझे कम लगा, मैंने और डाला है क्योंकि नॉन स्टिक है तो इस पर अपनी इच्छा के अनुसार घी कम या ज़्यादा आप कर सकती हैं। इसको लकड़ी के चम्मच की सहायता से फैला दिया है चारों तरफ। अब ये देखिए करीब करीब सिक चुका है। इसको मैं फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से और ये डोसा तैयार हो गया है। और सेम प्रोसीजर मैं अब दूसरे डोसे के लिए करूंगी। तवे को गीले कपड़े से पोंछ लूंगी और पोंछने के बाद में फिर इसके ऊपर मैं 2 चमचे बैटर डालूंगी। 2 चम्मच बैटर डाल के मैं इसको फिर फैला दूंगी आसानी से, सेम प्रोसीजर जैसे पहले डोसे में किया था। आंच मध्यम ही रहेगी, ना तेज रहेगी ना हल्की रहेगी। इस
इसके ऊपर देसी घी लगा दिया है और ये अपना सिक रहा है आराम से। एकदम क्रिस्पी डोसा नारियल की चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगता है और हल्का रहता है पेट के लिए। ये देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा जालीदार डोसा तैयार हुआ है, एकदम क्रिस्पी एकदम और खस्ता। ये दूसरा डोसा भी तैयार हो गया है, बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कोई देर नहीं लगती है। वैसे स्टफिंग वाले भी मैं बनाती हूँ, कभी आलू की स्टफिंग, कभी पनीर की स्टफिंग, बट मैंने आज ये प्लेन ही बनाया है पेपर डोसा। ये फ्रेंड देखिए तैयार हो गया है। चटनी मैंने बघार दी है मिर्च और राई से।